हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल दी एम एल टी वर्ल्ड में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं झारखंड पैरामेडिकल वैकेंसी से रिलेटेड लैब टेक्नीशियन एमसीक्यू क्वेश्चन 2024 में जो आएंगे। आइए अब हम देखते हैं एमसीक्यूज़ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वो कौन सा केमिकल सब्सटेंस होता है जो इस्तेमाल किया जाता है ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए मेडिकल लेबोरेटरीज़ के अंदर। तो पहला ऑप्शन है एंटीकोगुलेंट्स, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एंटीकोगुलेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन एंटीकोगुलेंट्स के नाम बताइए जिसका इस्तेमाल ब्लड बैंक्स में किया जाता है। तो ऑप्शन ए है एसीडी, सीपीडी, सीपीडीए 1, एसएजीएम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एसीडी, सीपीडी, सीपीडीए 1 और एसएजीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फॉलिक एसिड थेरेपी है क्या ये कॉज करती है सिकल सेल एनीमिया को। तो ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स, ऑप्शन सी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन है, ये दोनों ही विटामिन B12 और आयरन इनकी ड्रग इंटरेक्शन होती है, इनमें से किस ड्रग के साथ। ऑप्शन ए PPI S2 ब्लॉकर्स, ऑप्शन बी मिथाइल डोपा, ऑप्शन सी मेटफॉर्मेन। तो इसका सही उत्तर है PPI S2 ब्लॉकर्स। अब अगला क्वेश्चन है, ये जो हाइड्रोक्सी यूरिया होता है क्या ये इंक्रीज़ कर देता है हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को और डिक्रीज़ कर देता है रेटिकुलोसाइड सेल्स को। तो ऑप्शन है ए ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया की 3 क्लासिफिकेशन होती हैं और वो कौन सी हैं। ऑप्शन है इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ HB, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड RBC प्रोडक्शन, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड एरिथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ HB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट सोर्स क्या होता है एक्टिव बोन मैरो का किसी 20 साल के व्यक्ति में। तो ऑप्शन ए है इलियक क्रेस्ट जो हिप वाला पार्ट होता है, ऑप्शन बी फीमर जो थाई वाला पार्ट होता है, ऑप्शन सी डिस्टल रेडियस जो फोरआर्म वाला पार्ट होता है। तो इसका सही उत्तर है इलियक क्रेस्ट जो हिप वाला पार्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स के अंदर टोटल RBC काउंट कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 4.2 से लेकर 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर, ऑप्शन बी 4.0 से लेकर 5.0 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीलीटर, ऑप्शन सी 4.2 से लेकर 5.2 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीलीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4.0 से लेकर 5.0 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीलीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्स के अंदर टोटल RBC काउंट कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 4.0 से लेकर 5.0 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर, ऑप्शन बी 4.6 से लेकर 6.0 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर, ऑप्शन सी 4.2 से लेकर 6.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4.6 से लेकर 6.0 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के अंदर जो आयरन की मेजर मेटाबॉलिकली स्टोरेज फॉर्म है वो किस रूप में है। ऑप्शन ए फेरिटिन, ऑप्शन बी ट्रांसफरिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फेरिटिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की मदद से विटामिन के जो होता है वो प्रमोट करता है हेपेटिक बायोसिंथेसिस को। तो ऑप्शन ए है फैक्टर 1, ऑप्शन बी है फैक्टर 2, ऑप्शन सी है फैक्टर 8, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फैक्टर 1। ये जो विटामिन के होता है ये किन पेशेंट के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए बीइंग ट्रीटेड विद हेपेरिन, ऑप्शन बी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लिए, ऑप्शन सी पेप्टिक अल्सर के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, ये जो मेगालोप्लास्टिक एनीमिया होता है ये किसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन ए है आयरन की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन B12 की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन C की कमी से, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन B12 की कमी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्ट्स को डेली विटामिन B12 की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन ए 1 से लेकर 3 म्यूग्राम, ऑप्शन बी 50 से लेकर 100 म्यूग्राम, ऑप्शन सी 0.1 से लेकर 0.5 म्यूग्राम तक, ऑप्शन डी 5 से लेकर 10 म्यूग्राम तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 से लेकर 3 म्यूग्राम तक। अब अगला क्वेश्चन है वो कौन सी ड्रग है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टेटनी को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन ए है इंट्रामस्कुलर विटामिन डी, ऑप्शन बी है इंट्रावेनस कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन सी इंट्रावेनस कैल्सिटॉनिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंट्रावेनस कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल आयरन प्रिपरेशन की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो फैसिलिटेटेड होती है को एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए किसके द्वारा। ऑप्शन ए है एंट एसिड्स, ऑप्शन बी है फॉस्फेट्स, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पेशेंट जो रिसीव करते हैं आयरन थेरेपी उनको किस चीज़ से चेतावनी दी जाती है। ऑप्शन ए डिजीनेस, ऑप्शन बी रिंगिंग इन द ईयर्स, ऑप्शन सी डेंजर ऑफ सनलाइट, ऑप्शन डी ब्लैकनिंग ऑफ द स्टूल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्लैकनिंग ऑफ द स्टूल। थेरेपेटिकली विटामिन B1 सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है माइक्रोसिटिक एनीमिया, ऑप्शन बी है पेलेग्रा, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है बेरीबेरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेरीबेरी। मिथियोनिन का सिस्टीन में बदलना किस विटामिन पर निर्भर करता है या निर्भर रहता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B2, ऑप्शन सी है विटामिन B6, ऑप्शन डी है विटामिन B12। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन B6। अगला क्वेश्चन है एविडिन एक तरह का प्रोटीन है जो पाया जाता है अंडे के वाइट पोर्शन में और वो किसका एंटागोनिस्ट है। तो ऑप्शन ए है बायोटिन, ऑप्शन बी है पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन सी है कोलिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बायोटिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सभी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैग्नीशियम के पर इनमें से किसको छोड़कर। तो ऑप्शन ए है नर्व कंडक्शन, ऑप्शन बी है फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, ऑप्शन सी है मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट फैट एंड इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। अब अगला क्वेश्चन है थायमीन कौन सा विटामिन है। तो ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B12। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन B1। जो आयरन स्टोर्ड होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स में वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है। ऑप्शन ए फेरिटिन, ऑप्शन बी इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑप्शन सी ट्रांसफरिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फेरिटिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार MCQ सीरीज़ के साथ। तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद।